हावड़ा से रांची तक जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी आज हम करने वाले हैं। तो अभी हमने यहाँ पर ब्रेक को रिलीज करके ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इस पार्ट टू होने वाला है जर्नी का। तो हमारा लोकोमोटिव था हावड़ा का WEB7। यहाँ थोड़ा क्रॉसिंग देखिए आप लोग, यहाँ पर थोड़ा मेरा लैपटॉप थोड़ा लैग कर रहा है। अभी यहाँ पर ठीक हो गया होगा लग रहा है। कैसा लगा आपका ये वाला हॉर्न और ये क्रॉसिंग के साथ? तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉप हमारा है दुर्गापुर। यहाँ से मेरे ख्याल से 32 किलोमीटर के आसपास कुछ दिख रहा है मेरे को। यहाँ से अभी बहुत दुर्गापुर आने में अभी। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन जाके चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने हावड़ा जंक्शन से अपना किया था और यहाँ तक ये हमारा मैंने ट्रेन को रोक दिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी। इसलिए पार्ट टू आप देख ही ले रहे हैं अभी। तो बस ये है हावड़ा, मतलब ये ओपन है, इसके लिए केल रूट है जो कि आपका गया से हावड़ा तक आता है। और ये हमारी ट्रेन तो स्पीड पकड़ रही है। यहाँ पर लिमिट आ रहा है 120 किलोमीटर पर आवर का है, तो यहाँ पर स्पीड को मेंटेन करते हुए चलते हैं आगे और जल्दी से पहुँचाते हैं अपनी ट्रेन को दुर्गापुर। लेकिन अपनी ट्रेन तो वैसे लेट चल रही है यार। बस मैंने यहाँ पर कालका मेल के कोचेज यूज़ किए हैं, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा इतना। और फिलहाल आप लोग जर्नी को एंजॉय करिए। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को ये गेम खेलना है तो आप इसके लिए आप लोग बस एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर अपना पीसी में भी कर सकते हैं आप लोग। तो आपके पास ये दोनों हैं तो आप लोग इस गेम को अपने लैपटॉप और पीसी में आराम से रन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये गेम प्ले करने के लिए आप लोगों को मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि मैंने अपने चैनल में पहले ही से अपलोड करके रखी है आप लोगों के लिए। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस गेम को और इसमें कैसे एक्टिविटी और रूट और ट्रेन सब कुछ इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है और ट्रेन को भी चलाते कैसे हैं, मैंने ये सभी वीडियो पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आपको कोई दिक्कत आती है रूट और एक्टिविटी इंस्टॉल करने में फिर आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तो आप लोग गेम पर फिलहाल इंजॉय करिए। हाँ गाइस, आप लोगों में से ज़्यादा किस किस ने इस ट्रेन में कभी जर्नी किया है ज़रा आप लोग कमेंट से ज़्यादा मेरे को। अगर यहाँ से आप लोग ट्रैक ना सुनिए और आप लोगों ने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास और ट्यूटोरियल्स और गेम भी आप देखते रहते हैं। बाकी आप लोग जरा भी यहाँ से डोर व्यू से पैसेंजर व्यू का एंजॉय करिए। यहाँ से ट्रैक्शन सुनते रहिए आप लोग। सामने का मार्ग में पूरा ग्रीन दे रखा है अभी तक तो फिलहाल। ऐसे खास ये जर्नी हम कंप्लीट करेंगे पूरा धनबाद तक, एक्टिविटी यहीं तक बनाई गई है तो हम धनबाद तक की इस ट्रेन को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आपको डिटेलिंग कैब व्यू दिखाया गया है। ये क्या यहाँ से एक स्टेशन को स्किप करें लेकिन पीछे एक लेवल क्रॉसिंग था, वहाँ पर एक जो कार्स थे ना व्हीकल्स वो सब ट्रेन के अंदर से पास हो रहे थे पता नहीं क्यों। तो गाइस ये था अपना पीछे का व्यू, देख सकते हैं यहाँ से अभी ये व्हीकल्स वगैरह है ना कार के अंदर से आर पार हो रहे हैं, ट्रक ऑटो वगैरह सब जो भी है यार। क्या ही थोड़ा बग बग हो गया इसी वजह से। ठीक है, अभी आप जरा इस वाले कैमरा एंगल से जर्नी को एंजॉय करिए। अभी हमारा गाइस जो नेक्स्ट दुर्गापुर के बाद हमारा आएगा रानीगंज। काफ़ी दूर स्टेशन है यार, रियल लाइफ पे सही है ये रूट, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। और हाँ गाइस, MSTS के अंदर MSTS नहीं गाइस, ये गेम ओपन रेल से तो आप लोग ओपन रेल से समझिएगा, MSTS नहीं है। अगर मैं कह रहा था कि मैंने ओपन रेल्स के ऊपर मतलब कि गेम का ना बहुत सारे आपको गेम प्ले और रूट्स की एक्टिविटी देखने को मिलेगी अपकमिंग वीडियो में। मैं बहुत सारे जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुत सारे गेम प्ले आपके लिए एकदम बनाने के सोच रखा है कि आप लोगों को हर रूट पर हर ऐप को एक्टिविटी प्ले करने को और गेम प्ले दिखाने को मौका मिलेगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट जर्नी आने वाला है फिर से नई दिल्ली से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे तक हमारा जर्नी होगा एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ।
इसकी मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसका जब एक ओवरव्यू देख लीजिएगा। बाकी जल्दी ही वो वीडियो आने वाला है, जब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए अब तक। वैसे गाइस इसका मैंने वीडियो अपलोड करने का सुबह के टाइम दे रखा है आप लोगों के लिए, ये टाइम फिक्स रहता है मेरा 8 बजे का। बाकी आप लोग अदर गेम्स देखते हो तो उसके लिए मैंने अदर टाइम दे रखा है, शाम का टाइम, जिसमें आप लोगों को अदर गेम्स देखने को मिल जाती है। लाइव स्ट्रीम वगैरह कभी कभार ही करता हूँ मैं। बाकी गाइस अपनी शताब्दी एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ स्पीड पकड़ चुकी है लग रहा है, थोड़ा और स्पीड देते हैं यार, इतनी स्पीड में मज़ा नहीं आ रहा। शताब्दी एक्सप्रेस से यार कम से कम 100 के ऊपर स्पीड होनी चाहिए सर ट्रेन की। वैसे गाइस मैं अभी ट्रेन को अपना मैनुअली ऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने ऑटो पायलट को ऑफ कर रखा है। हाँ गाइस मैंने अपने ट्यूटोरियल वीडियो में ना कि अपने ट्रेन को ड्राइव कैसे करते हैं, वहाँ पर मैंने कुछ कीबोर्ड कंट्रोल्स मिस कर दिए थे, तो वो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में कवर अप कर दूँगा। तो समझ ले कि पार्ट 2 हो जाएगा वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो के लिए, जो भी कैमरा एंगल या कीबोर्ड के कंट्रोल है ना, पार्ट 2 बन जाएगा एक तरीके से। इसमें आपको पूरा ब्रीफ में और सही तरीके से बता दूंगा एक बार और। तो अभी गाइस हमारी ट्रेन काफ़ी शार्प कर पर होते हुए जा रही है, स्पीड का यहाँ पर कोई कम करने का तो रूल नहीं है, तो हॉर्न करते हुए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। बाकी गाइस ये वीडियो आप लोग हावड़ा से देख रहे हैं या जज्बात से या किसी भी स्टेट से देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगेगा इसकी हमारी ऑडियंस कहाँ तहाँ तक की मुझे देख पहुँच रही है हमारी ऑडियंस तक। अभी गाइस सामने काफ़ी शार्प कर्व आ रहा है, तो आप लोग गाइस गेम को कहाँ पर इंजॉय करिए, इसके बाद मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
बस अभी हमने अपनी ट्रेन को तो यहाँ पर रोक दिया है, पैसेंजर बोर्डिंग हमारा चल रहा है यहाँ पर। बस वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी पार्ट टू, इसीलिए तो मैं पार्ट टू को यहीं रोकता हूँ। पार्ट थ्री भी इसका आएगा, तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।